हाय गाइस, वेलकम टू मल्लिकास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू टिक्की बर्गर। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप गार्लिक जिंजर 2 टेबलस्पून और साथ ही साथ हम डालेंगे 1 ग्रीन चिली। एक बार मिक्स कर लेंगे और 30 सेकेंड्स के लिए हम इसको कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। और अब मैं इसमें डालूंगी चॉप अनियन 100 ग्राम और इसको डाल के ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे, 1 मिनट के लिए कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए 1 मिनट हो गया इसको कुक करते हुए, बस इतना ही हमने कुक करना है। और अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी चाट मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, भुना हुआ जीरा डालूंगी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। और इन सभी मसालों को डालने के बाद एक बार मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी बॉइल पोटैटो 300 ग्राम। ये ऑलरेडी मैंने मैश करके रखा हुआ था और इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए आलू हमारे अच्छे से मिक्स हो गए और कुक भी हो गए। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए इसको डीप फ्रीज में रखेंगे 1 आवर के लिए। उसके बाद निकाल के इसका अच्छा सा एक टिक्की बना लेंगे। तो चलिए तब तक के लिए एक सॉस बना लेते हैं बर्गर के लिए, टैंगी एंड स्वीट सॉस। तो सबसे पहले मैंने मेयोनीज लिया है 5 टेबलस्पून और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हॉट एंड स्वीट सॉस, ये भी डालूँगी 5 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये वाला सॉस नहीं है तो आप कोई भी केचप इस पर डाल सकते हैं। और आप जब केचप डालेंगे कोई और, तो उसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि ये जो मैं सॉस यूज़ कर रही हूँ इसमें ऑलरेडी रेड चिली पाउडर डला होता है, इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मेयोनीज और सॉस जो है अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया, देखिए कितना क्रीमी लग रहा है। अब मैं इसको साइड में रख दूंगी। अब मैं एक प्लेट में थोड़ा सा वाटर ऐड करूंगी 1/2 कप और अब मैं इसमें ऐड करूंगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसकी जगह अरारोट पाउडर या फिर मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, कोई लम्स नहीं रहा है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। और ये जो आलू वाला हमने मसाला फ्रीज करके रखा हुआ था उसको निकाल लिया मैंने, एकदम चिल्ड है ये। और थोड़ा सा हाथ में मैंने ऑयल लगा लिया था ताकि टिक्की जो है वो हाथ में चिपके ना और इजीली बन जाए। आप कोई भी शेप का टिक्की बना सकते हैं। ये देखिए मैंने राउंड शेप में बनाया है और अब मैं इसको लगाऊंगी मैदे में। तो पहले मैदे में डिप करेंगे। ये देखिए मैदे अच्छा से लग गया है। अब मैं कॉर्नफ्लावर और जो वाटर का मिक्स बनाया था उसमें ये डिप करूँगी। आप थोड़ा केयरफुली कर लीजिएगा क्योंकि कॉर्नफ्लावर थोड़ा नीचे से स्टिकी होता है, इस वजह से टिक्की टूटने का डर रहता है। अब मैं ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी इसमें, थोड़ा प्रेस करके लगाना है ताकि ऑयल में जब ये जाए तो ब्रेड क्रम्स अलग ना होए। ये देखिए प्रेस करके लगाना है, मैंने 3-4 ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, ऑयल को मैंने अच्छे से हीट कर लिया था और ये टिक्की डाल दूंगी और एक एक करके हमने फ्राई करना है। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक के लिए हम एक बर्गर बन को सेक लेते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बटर ऐड करा है इसमें और बर्गर बन को हम ऐसे डाल देंगे। थोड़ा सा घुमा लीजिएगा ताकि बटर इक्वली लग जाए सब में। ये देखिए बर्गर बन अच्छे से सिक गया है और एक बार टिक्की को हम पलट लेंगे। दोनों साइड से हमने इक्वली कुक करना है टिक्की को।
ये देखिए टिक्की हमारा बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही हम 2-3 टिक्की और फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बाकी की भी टिक्की फ्राई हो गए हैं। देखा कितना क्रिस्पी बना है। एक बर्गर मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है और एक आपको मैं बना के दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा मेयोनीज लगा लेंगे इसमें और थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे इसको। और अब जो हमने टिक्की रखा था फ्राई करके वो डालेंगे और एक चीज़ स्लाइस डाल दूंगी मैं इसमें, अनियन लगा दूंगी। ये देखिए अनियंस मैंने लगा दिए हैं। अब मैं इसमें टोमेटो ऐड करूंगी थोड़ा सा। अगर आप कुकुम्बर खाते हैं तो थोड़ा सा कुकुम्बर, नहीं तो लेटिस लीफ भी डाल सकते हैं। और ये जो टैंगी एंड स्वीट सॉस मैंने बनाया था, अब इसको ऐसे लगा लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे थोड़ा सा। अच्छे से भर के लगाना है। ये देखिए अच्छे से स्प्रेड कर दिया है मैंने। और अब ये जो बर्गर मैंने बनाया था इसके ऊपर हम ऐसे लगा देंगे। तो देखिए कितना टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग लग रहा है। तो देखा आपने कितनी सिंपल और इजी रेसिपी है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।